What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to IFL. Rasagulla बना रहा हूँ आज, हाँ एकदम perfect वाले रसगुल्ले बनाने वाला हूँ. आज दिन तक IFL पे मैंने ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर नहीं की है और इतनी फेमस इंडियन डिज़र्ट है, वर्ल्ड वाइड खाई जाती है. और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये वाले जो रसगुल्ले हैं वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे, एकदम स्पॉन्जी, अंदर तक एकदम रस भरा होगा और जब भी आप इन्हें खाओगे तो एकदम मुंह में घुल जाएंगे, इतने सॉफ्ट बनेंगे, एकदम रूई जैसे सॉफ्ट. और एकदम सिंपल टेक्निक है, सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं. इस रेसिपी के सारे टिप्स अगर मेरी आप फॉलो करोगे तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी. तो अब रसगुल्ला बनाने के लिए दो किस्म की चाशनी बनाई जाती है, एक जिसमें रसगुल्ले जो हैं डिप किए जाते हैं, डिप करके सोक कर दें, और दूसरी जिसमें रसगुल्ले आपके जो हैं पकते हैं. तो सबसे पहले डिप करने वाली चाशनी जो है वो बना लेते हैं. एक कढ़ाई के अंदर 250 ग्राम या एक कप शक्कर ले लीजिए, साथ ही में इसमें पानी ऐड करना है. तो पहले यहाँ पर मैं 2 कप पानी मेजर करके ऐड कर रहा हूँ, साथ ही में इसमें थोड़ा सा और यानी कि लगभग 1/3 कप पानी और ऐड कर देना है. अब गैस ऑन करके चाशनी को तब तक कुक करना है जब तक कि शक्कर जो है वो अच्छे से पिघल नहीं जाती है और इसमें एक उबाल नहीं आ जाता. अब आप देख सकते हो कि शक्कर मेल्ट हो गई है और एक उबाल भी आ गया है. इस स्टेज के बाद इस चाशनी को आपको कुक नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इस चाशनी को एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए जब तक कि आप रसगुल्ला की आगे की तैयारी नहीं कर लेते हैं. तो पहली चाशनी हमारी बन गई, एकदम सिंपल प्रोसेस है ना, एकदम सिंपल तरीके की चाशनी बनानी है. याद रखना है वो एक तार दो तार वाली जैसे गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं वैसी चाशनी नहीं बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नहीं तो आपके जो रसगुल्ला हैं वो चाशनी पियेंगे नहीं, वो सोख नहीं होंगे अच्छे से. बस शक्कर को मेल्ट कर लीजिए, एक बार मेल्ट हो जाए, एक उबाल आ जाए, बस उतना ही आपको इस चाशनी को पकाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को याद रखना. अभी इसको ठंडा होने देते हैं इस चाशनी को. दूसरी चाशनी जो बाद में बनाएंगे उसके पहले रसगुल्ला के लिए हमें छेना बनाना है. छेना क्या होता है, दूध को फाड़ कर जैसे पनीर बनाया जाता है वही सेम प्रोसेस है. वो प्रोसेस कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं. एक मोटे तले के बर्तन में 1 लीटर भैंस का फुल फैट मिल्क ऐड करना है. दूध ऐड करने के बाद इसे एक सिमर पे ले आना है, यानी कि हल्का सा उबाल आ जाए दूध के अंदर उतना ही आपको दूध को उबालना है. तो बीच बीच में करछी चलाते हुए दूध को एक उबाल पे ले आइए. दूध आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वैरायटी का यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आज भैंस का फुल फैट दूध यूज़ किया है. अब आप देख सकते हो उबाल आ चुका है दूध के अंदर. इस स्टेज पर आपको गैस को स्विच ऑफ कर देना है और 1 से 2 मिनट तक का रेस्ट देना है. अगर आप इमिजिएटली दूध को फाड़ देंगे तो आपका जो छेना है वो थोड़ा सा हार्ड बनता है, तो ये एक टिप आप नोट कर लीजिए. 1-2 मिनट के बाद यहाँ पर मैं एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून विनेगर और 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर रहा हूँ. अब इस विनेगर के मिक्सचर को आप धीरे धीरे करके दूध के अंदर ऐड कीजिए और हल्के हाथों से इसे स्टर करना है, बहुत विगरसली स्टर नहीं करना है, ये बात का ध्यान दीजिए. आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो दूध है वो फटना शुरू हो जाएगा. जितना विनेगर रिक्वायर्ड है दूध को कम्प्लीटली फाड़ने के लिए उतना ही विनेगर आपको ऐड करना है. जो क्वांटिटी मैंने यूज़ की है इससे ईजिली दूध फट जाता है. आप देख सकते हैं सारा जो छेना है अलग हो गया है और सारा जो वे है जो ग्रीनिश कलर का वे दिख रहा है आपको वो अलग हो चुका है. इस स्टेज पर इस छेना को आपको स्ट्रेन कर लेना. तो एक छन्नी में मलमल का कपड़ा रखकर इस छेना को स्ट्रेन कर लीजिए. स्ट्रेन करते ही आपको इमिजिएटली फ्रेश वाटर से इसको धो लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी जो विनेगर की खटास है वो निकाल लेनी है. एक बार आपने छेना को धो लिया है उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे बस ऊपर हवा में टांग कर रखना है. आप देखिए बस 1-2 मिनट तक जितना वे अपने आप ड्रिप ऑफ हो जाता है उसको ड्रिप ऑफ होने दीजिए. एक बार वे जितना अपने आप से ड्रिप ऑफ होना बंद हो जाए इसको फिर हल्के हाथों से निचोड़िए. बस 2 या 3 बार आपको निचोड़ना है, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको यहाँ पर नहीं करनी है, नहीं तो आपका जो छेना है वो ड्राई हो जाएगा. तो बस आप देख सकते हैं मैंने इजीली जितना वे निकल रहा था उतना वे निकाल दिया है. अभी इसे इस तरीके से रख कर इसके ऊपर कुछ वेट रख दीजिए, बहुत भारी वेट नहीं रखना है, मीडियम वजन का वेट रखिए और 5 मिनट के लिए इस छेना को इस तरीके से वजन के नीचे रेस्ट होने दीजिए. तो छेना हमारा रेडी हो गया है रसगुल्ला बनाने के लिए. अब रसगुल्ले बनाते वक्त आप देख रहे हो इंग्रेडिएंट सिर्फ 2 ही हैं, एक दूध यूज़ कर रहे हैं और एक शक्कर यूज़ कर रहे हैं. तो इसके लिए इसकी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चाशनी की तो टेक्निक हमने पहले देख ली, छेने की टेक्निक ये है कि दूध की वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने जितने भी ट्रायल्स किए हैं उसमें भैंस का दूध जो यूज़ करते हैं फुल फैट वाला, उससे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, तो आप भी वही यूज़ कीजिए. उसके बाद दूध को बहुत ज़्यादा आपको उबालना नहीं है,
एक बेसिक सिमर आ जाए, फर्स्ट उबाल आ जाए, दूध को बंद कर दीजिए। वो एक दो मिनट का जो रेस्टिंग प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एकदम हाई हीट में जब ये छेना बनता है तो वो बहुत गर्म होता है तो पक जाता है, ओवर कुकिंग हो जाती है उसकी और छेना हार्ड बनता है, इससे रसगुल्ले भी हार्ड बनते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए, वो रेस्ट कीजिए। उसके बाद विनेगर को डाइल्यूट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब विनेगर एकदम डायरेक्टली आप डाल दो कॉन्सेंट्रेटेड तो झटके से जब ही एकदम फटता है दूध तो छेना हार्ड हो जाता है, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फटाफट से छान लीजिए उसको, गर्म वे के अंदर रहने मत दीजिए, तभी भी ओवर कुकिंग हो जाएगी। निकालने के बाद इमिजिएटली धो लीजिए कैरी ओवर कुकिंग रोकने के लिए और खटास निकालने के लिए विनेगर की। और उसके बाद मॉइस्चर जब निकालेंगे तो पूरा मॉइस्चर आपको छेना का नहीं निकालना है, नहीं तो रसगुल्ले ड्राई हो जाते हैं, आपका छेना ड्राई हो जाता है। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो छेने के भी सारी टेक्निक्स और टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं। अभी जब तक कि ये छेना जो है 5 मिनट के लिए रेस्ट हो रहा है, रसगुल्लों को पकाने के लिए जो चाशनी तैयार करनी है उसकी तैयारी कर लेते हैं और उसके बाद रसगुल्ले शेप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। एक बड़ी सी कढ़ाई में 2 कप शक्कर या 500 ग्राम शक्कर ले लीजिए। अब इसके अंदर 5 कप पानी आपको मिलाना है। अब इस चाशनी को आपको एक बॉईल पे ले आना है, तो मैं एकदम धीमे फ्लेम पे इसको बॉईल पे आने के लिए छोड़ रहा हूँ। जब तक कि चाशनी साइड पर पकेगी तब तक हम फटाफट से रसगुल्ला को शेप कर लेंगे। तो हमारा छेना रेस्ट हो गया है, आप देख सकते हो मैं जब इसे टच कर रहा हूँ तो मेरे हाथ पे हल्का हल्का मॉइस्चर जो है मेरे को फील हो रहा है, एकदम ड्राई नहीं हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बड़ी सी परात में इस छेना को ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इस छेना को हमें ऐसे तोड़कर क्रम्बल कर लेना है। अब इस छेना को परात के एक तरफ कर लीजिए और इसे अभी हमें मतना है, तो मतने के लिए मैं इस तरीके से अपने पाम का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिए छेना का और अच्छे से इस छेना को मतना शुरू कर दीजिए। हमें बेसिकली करना ये है कि जो छेने के पार्टिकल्स हैं उनको हमें फाइन करना है, एकदम मुलायम कर देना है ताकि इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो छोटे हो जाएं, एकदम स्मूथ हो जाए टेक्सचर हमारे छेना का। आपको छेना को तब तक मतना है जब तक ये परात को छोड़ना नहीं शुरू हो जाता है। ये जो प्रोसेस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिटरमाइन करेगा कि आपके जो रसगुल्ला हैं वो बराबर से शेप हों, इनमें क्रैक्स नहीं आए और ये फटे नहीं बॉईल करते समय या पकाते समय। तो आप देख सकते हो मैंने अच्छे से छेना को मथा है और अभी ये परात को छोड़ना शुरू हो गया। इस तरीके से एक साथ आ जाएगा, परात को छोड़ना शुरू हो जाएगा। एक बात का ध्यान देना है कि आपको ओवर नीड भी नहीं करना है, इसे ओवर मथना नहीं है, नहीं तो ये अपना पूरा घी छोड़ देगा, ये बात का आपको ध्यान देना है। इस स्टेज पर जब एक बार छेना आ जाए इसके अंदर अभी मैदा मिक्स करना है, तो मैं बस 1 टीस्पून मैदा यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करना है। मैदा ऐड करने के बाद अच्छे से मिला लीजिए। अच्छे से मिलाने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा छेना रेडी हो गया है शेप करने। रसगुल्ला को शेप कर लेते हैं। थोड़ा सा एक छोटा पोर्शन ले लीजिए और अपने दोनों हथेलियों के बीच में इसे पाम्स को यूज़ करते हुए इसे थोड़ा प्रेस करके मसलना है। ऐसे मसलते हुए शेप कीजिए, इससे आपके रसगुल्ले का जो शेप है एकदम परफेक्ट आएगा। फिर धीरे धीरे प्रेशर रिलीज़ कीजिए और एक राउंडल तैयार कर लीजिए। आपको ध्यान देना है कि इसके सरफेस पे क्रैक्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी और एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने रसगुल्ले को इस तरीके से शेप कर लिया है। एक बार आपने इस तरीके से शेपिंग शुरू कर दी है तो आपको करना क्या है कि छेना और रसगुल्लों को एक मॉइस्ट कपड़े से ढककर रखना है ताकि इसका जो सरफेस है वो ड्राई आउट नहीं हो जाए। तो इसी तरीके से सारे रसगुल्ले आप शेप कर लीजिए और जब तक ये शेप कर रहे हैं तो इसे ढके रखिए। तो अब चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी में आप देख सकते हो शक्कर एकदम पिघल चुकी है, चाशनी गर्म हो गई है। अब इस चाशनी को एक रोरिंग बॉयल पे लेके आना है, तो इसे ढक्कन लगा दीजिए। ढक्कन लाने के बाद एक रोरिंग बॉयल पे ले आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपकी चाशनी इस तरीके से रोरिंग बॉयल पे आ जाती है इसमें आप रसगुल्ले पका सकते हैं। ध्यान ये देना है चाशनी गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो आपकी अगर चाशनी गाढ़ी हो जाए अब तक आप थोड़ा पानी ऐड करके इस चाशनी को पतला कर सकते हैं। जब तक कि ये चाशनी रोरिंग बॉयल पे आ जाती है एक झोल तैयार कर रहा हूँ। झोल यानी कि एक कटोरी के अंदर 1 टेबलस्पून मैदा ले लीजिए, साथ ही में 1/4 कप पानी इसमें ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको साइड पे रख दीजिए। इससे करना क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। आप देख सकते हो चाशनी हमारी एकदम रोलिंग बॉयल पे आ गई है। अब इसके अंदर रसगुल्ले आपको धीरे धीरे करके केयरफुली ऐड कर देने हैं। एक बार रसगुल्ले आपने ऐड कर दिए हैं तो इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आपको पकाना है बिना ढके। एक बार 2 से 3 मिनट हो जाएं तब इसके अंदर ये जो झोल हमने तैयार किया है ये झोल ऐड कर देना है। ये झोल से क्या होता है ये आप कुछ ही देर में देखेंगे। इसे इमिजिएटली ढक दीजिए और हाई फ्लेम पर ही आपको इन रसगुल्लों को लगभग 10 से 12 मिनट के लिए को ढके हुए ही पकाना है। ये जो झोल हमने डाला है इससे क्या होता है, रसगुल्लों के ऊपर एक झाग तैयार होती है।
ये झाग तैयार होने की वजह से जो स्टीम है वो एकदम बर्तन के अंदर कैप्चर हो जाती है और रसगुल्लों के ऊपर भी जो है ये चाशनी कवर हो जाती है। तो आपके जो रसगुल्ले एकदम अच्छे से फूलते हैं, एकदम अच्छे से पक जाते हैं ये झोल डालने की वजह से। तो आप देख सकते हो कैसे झाग आ रही है, ये झाग ये झोल डालने की वजह से आई है। होता क्या है, आपकी हाई फ्लेम पर जब ये चाशनी एकदम उबाल आएगा इसके अंदर, तो ये कभी कभी झाग एकदम ऊपर तक आ जाती है। तो आपको करना क्या है, इस ढक्कन को ऐसे थोड़ा सा साइड पे करके रखना है या बीच बीच में इस ढक्कन को उठा लेना है कि आपकी जो झाग है वो ओवरफ्लो नहीं हो जाए, आपकी चाशनी बर्तन से बाहर नहीं आए। इस चीज़ का ध्यान देना है, 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसी तरीके से रसगुल्लों को पका लेना है। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मैं अभी ढक्कन खोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो रसगुल्ला हैं वो एकदम अच्छे से फूल गए हैं, एकदम अच्छे से पक गए हैं। और जो मैंने आपको टिप दी थी कि सरफेस पे क्रैक नहीं हो, उस वजह से हमारा एक भी रसगुल्ला जो है वो फटा नहीं है, सारे रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बने हैं। अब इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है, 4 से 5 मिनट के लिए इन रसगुल्ला को इसी चाशनी के अंदर रेस्ट होने देना है। 4 से 5 मिनट बाद रसगुल्लों को छान लीजिए इस तरीके से, और फिर हमारी जो रूम टेम्परेचर वाली डिपिंग वाली चाशनी है उसमें इन रसगुल्लों को ट्रांसफ़र कर देना है। ये जो चाशनी हमने पहले बनाई थी वो वाली चाशनी है, एक बार ट्रांसफ़र कर दी आपने, आधा एक घंटा आपको रुकना पड़ेगा इन्हें खाने से पहले, रूम टेम्परेचर पे आ जाएं सारे रसगुल्ले, उसके बाद इन्हें आप ठंडा करके फ्रिज में या ऐसे ही खा सकते हैं। तो रसगुल्ला तैयार हो गए हैं, और आपने देखा बस 2 इंग्रेडिएंट हैं सिंपल, शक्कर और दूध, उससे बन जाते हैं और एकदम परफेक्ट बने, एकदम फूल गए हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं। अभी मैंने प्लेट करने वाला हूँ और फिर आपको बताने वाला हूँ इनका टेक्सचर कैसा है। सो लेट्स प्लेट दीज रसगुल्लास वाईफल स्टाइल। आपने देखा कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम स्पॉन्जी और मुंह में डालते ही घुल जाते हैं। मज़ा आ गया इन रसगुल्ला को खाकर। आप भी इसी तरीके से मेरी सारी टिप्स फॉलो करके ये रसगुल्ला की रेसिपी अपने घर पर बनाइए, और जब भी बनाएंगे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाइए। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रसगुल्ला रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।